राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर, समृद्ध विरासत और आधुनिकता का मिश्रण है। अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के जीवंत बाजार क्षेत्र की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन कराते हैं। राजकोट में बड़ी संख्या में भारी एवं लघु उद्योग स्थित हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शहर एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जोन भी बनता जा रहा है। हवाई यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए राजकोट के हीरासर में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति से देश आज विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की। 2014 में जहां देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं आज 2023 में ये संख्या दोगुनी होकर 148 हो गई है। 2014 में जहां भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता 20 करोड़ थी, वो अब दोगुनी से भी अधिक 45 करोड़ हो गई है। भारत सरकार के अथक प्रयासों से देश के हर राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हुआ है। सड़कों से लेकर पुलों तक, मजबूत रेल नेटवर्क से लेकर हवाई अड्डों तक, देश के हर हिस्से में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। इसी दिशा में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2500 एकड़ से अधिक भूमि पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें 3040 मीटर लंबा रनवे, टैक्सी ट्रैक और फायर स्टेशन इत्यादि निर्मित है। इस हवाई अड्डे के निकट गारिडा और दोसली घुना गांव के नजदीक बामनबोर सिंचाई योजना का एक चेक डैम स्थित था, जिसके जल को रनवे के नीचे से निर्बाधित रूप से प्रवाहित करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 754 मीटर लंबा तथा 34 मीटर चौड़ा एक बॉक्स कलवर्ट बनाया गया है। देश के किसी भी हवाई अड्डे पर रनवे के नीचे बनने वाला ये सबसे लंबा कलवर्ट है। इस हवाई अड्डे पर 14 हवाई जहाजों को पार्क किया जा सकता है और ये 180 यात्रियों को समाहित करने वाले बड़े विमान जैसे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 के संचालन के लिए भी उपयुक्त है। ये टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 500 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा और निकट भविष्य में विस्तारीकरण के अंतर्गत इसकी एक समय में एक साथ 2800 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी। गुजरात एक उन्नत राज्य है और यहाँ हर प्रकार की यातायात सुविधाएं विकसित हैं। एक तरफ यहाँ का लगभग हर जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है, तो प्रदेश में 11 हवाई अड्डों के साथ कई बंदरगाह भी स्थित हैं। राजकोट में क्षेत्र के इस सबसे बड़े व नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से न केवल राजकोट बल्कि राज्य के मोरबी, थानगढ़, शापर, गोंडल, जैतपुर, जूनागढ़ सहित अन्य प्रसिद्ध निकटवर्ती क्षेत्र जैसे द्वारका, सोमनाथ, गीर को भी लाभ होगा। नया हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज्य में पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है।